और फाइनली मौसम चेंज हो चुका है और आजकल काफी अच्छा मौसम चल रहा है। सभी को हम ऑलरेडी बाय बाय बोल चुके हैं और समर को वेलकम कर रहे हैं। और मैं आज अपने बाहर स्प्रिंग फेस्टिवल 2003 कवर करने आई हूँ। आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पता है ये वीडियो बहुत दिलचस्प है और आज की इस वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नहीं आने वाली वीडियो आसानी आपको मिल सके। वीडियो जश्न बहारा, आज मैं जश्न बहारा फेस्टिवल स्प्रिंग फेस्टिवल 2003 कवर करने आई हूँ, जो हर साल की तरह मार्च के महीने में लाहौर के डिफरेंट पार्क में अरेंज किया जाता है। और आज जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है जी लाहौर की जलानी पार्क। टुडे वी विल शो योर दिस फेस्टिवल एंड दिस पाकिस्तान और पंजाब के कल्चर को प्रमोट किया जाता है। और फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियोस आपको आसानी मिल सके। एंड यू नो यहाँ हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस किस्म के फेस्टिवल हाउस टूर पे फैमिली के लिए अरेंज किए जाते हैं ताकि लोग अपनी फैमिलीज को यहाँ लेके आए, अपनी फैमिली के साथ टू मच टाइम स्पेंड कर सकें और खूब इंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, आज हम आपको पूरा इवेंट दिखाने वाले हैं। यहाँ बहुत मुस्लिम के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ मुस्लिम के खाने हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ मुस्लिम किस्म के कल्चर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इन सब कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इन कल्चर्स में क्या क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या खाते हैं, पीते हैं और ये सब हम आपको आज दिखाएंगे। और इस टाइम जी आया नो यहाँ एक विलेज स्टार्टअप अरेंज किया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि विलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ क्या खाने को मिलता है और आप देख रहे हैं इसको लोग सामने से। जी फ्रेंड्स, लुक एट दिस, ये है जी ब्राउन शुगर और जिसको गुड़ भी कहते हैं पंजाबी में। और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कल्चर के यहाँ उनकी सकाफत को प्रमोट करने के लिए उनकी डेकोरेशन रखे गए हैं, जिसको आप यहाँ से हर एक के अपने घर की सजावट में इजाफा कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें काफ़ी मेहनत से तैयार की गई हैं और यहाँ बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी हैं। यहाँ क्वेटा की मशहूर वराइटी चप्पल और यहाँ सिंध के लिबास और यहाँ सिंधी टोपी, सिंधी जैकेट और सिंधी फ्रॉक लेडीज़ के लिए। और यहाँ काफ़ी किस्म के स्टॉल्स हैं और जब भी यहाँ आए तो गोल गप्पे एंजॉय करें। पाकिस्तानी पकीज़ा रेस्टोरेंट और सरसों का साग और मचकई की रोटी एंड चाटी की लस्सी, जो स्पेशल देहाती लोगों की सौगात है और जो हम लोगों को शहरों में आसानी तो नहीं मिलती लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिल जाती है। पाकिस्तानी पकीज़ा रेस्टोरेंट जहाँ एक कढ़ाई टेडी की जा रही है, इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड देयर आर द मेनी पीपल हियर, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि ना आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस फेस्टिवल का इफ्तिताह जो था वो उस्मान मुस्तार साहब ने किया, जिनका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लाहौरियों की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ हमें मुकामी लोग तो काफ़ी देखने को मिलेंगे लेकिन हमें यहाँ फॉरनर्स भी देखने को मिलेंगे, स्पेशली फेस्टिवल को इंजॉय करने आए हैं, इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ साथ इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मौका, हर फेस्टिवल बहुत ही पुरजोर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन आप अपनी सभी प्रॉब्लम अपने अल्लाह ताला के हवाले करें, अपने सारे मामला अल्लाह ताला के हवाले करें। इट्स द बेस्ट सीजन टू गो एनीवेयर, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ और स्पेशल मशहूर खान गोले वाला और जो समर की स्पेशल एक सौगात है, जहाँ से अंदाजा होता है कि समर आ चुके हैं एंड बाबा मुर्दरिया बुखारी स्पेशल लड्डू पीठिया। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ निसा कंपनी की तरफ से ये प्रोडक्ट एक सेल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सेल आउट कर रही हैं, क्या शो आउट करवा रही हैं? हमारे यहाँ तो बहुत सी प्रोडक्ट है, जैसे कि फेस वॉश है, ओके, निसा के अर्जेंट फेशियल है, ओके, और
बीबी क्रीम्स है, डब क्रीम्स है जी, लोशन, शैम्पू और हर चीज का। ओके, और ये आपका मतलब ये जो पंजाब फेस्टिवल कंटिन्यू हुआ है आई थिंक 5 मार्च से स्टार्ट है, तो यहाँ लोगों की आमदन रफ्त कैसी रही है? आप लोगों का ये स्टॉल कब से लगा हुआ है और कैसा लगा आपको? स्टार्ट हुआ तब से स्टॉल लगा हुआ है और सिंपल लगा था, आमदन रफ्त तो काफी सही है। हमको पता लोग ऐसे चीजों को एंजॉय करते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं काफी, अभी तो इंक्रीज कर दिया गया टाइम तो 19 तक चला। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। काफ़ी मज़े आ रहे हैं यहाँ लोगों से बात करके, और यहाँ यू नो बहुत किस्म के यहाँ स्टॉल हैं, और यहाँ क्रॉकरी, ज्वेलरी, लेडीज़ गारमेंट्स और जेंट्स गारमेंट्स ब्रांड, और इसके अलावा स्मोक बॉल्स, जिसको खाने से तो कोल्ड फीलिंग होती है लेकिन आई थिंक वो स्मोक शो और कुछ हॉट फीलिंग होता है, स्मोक होत लग रहा है, लेकिन यू नो आपको पता है कि यहाँ कराची निम्को भी है, जो स्पेशली लोग जब कराची जाते हैं तो वहाँ स्पेशली लोगों के लिए एक खास सौगात लेके आते हैं, और ये काफ़ी इसमें टेस्ट है, बहुत मजमी होती है, मैंने खाई है, बहुत इंजॉय किया। शाम होने को है और फ्रेंड्स हमें यहाँ शाम हो चुकी है, और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग इस टाइम मौजूद हैं लाहौर जलानी पार्क में, और यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद बनते हैं, हमें तो बहुत इजीली मिल जाते हैं लेकिन इनको बनाने वाले काफ़ी स्ट्रगल से बनाते हैं। एक फीमेल ट्राई कर रही हैं, शायद उनसे बन जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत इंजॉय किया। ये एक ऐसा प्लेस है जलानी पार्क में जो फेस्टिवल में अरेंज किया गया, यहाँ कंसर्ट होता है नाइट के टाइम पे, जहाँ लोग काफ़ी गैदरिंग में इंजॉय करते हैं। वेदर डिस्टर्ब था इस वजह से आई थिंक आज क्लोजिंग है, सो यकीनन आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमारे साथ। फ्रेंड्स हमारी कोशिश थी कि हम आपको पूरा ये इवेंट आपको दिखा सकें, और यहाँ अंकल काफ़ी यूनिक ड्रेसेस में बैठे हुए थे, और इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सबको जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है उन सबको मेरा सलाम, एंड इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सी यू अगेन विद न्यू वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।